हेलो एवरी वन अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ ए स्टडी चैनल एंड मैं अपने चैनल पर आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में बताती हूँ तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्टली ये टॉपिक जो है एक प्लांट में डिफरेंस आने से रिलेटेड टॉपिक है ये डिफरेंस जो है म्यूटेशन की वजह से होता है जिसको कहते हैं कैमरा कैमरा एक टॉपिक है जो कि आप लोग मेनली म्यूटेशन वाले पोर्शन में पढ़ते होंगे या फिर जो है जो जेनेटिकल वाला पोर्शन होता है जेनेटिक्स वाला पोर्शन प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड उसमें का एक छोटा सा टॉपिक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन और जो है टाइप्स वगैरह देख लेते हैं कैमरा की कैमरा क्या होता है कैमरा प्लांट होता है जो एक प्लांट को ही कैमरा कहा जाता है जो कि दो अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बनता है वो टिश्यू जो है दो अलग अलग तरीके के टिश्यू जब ग्रो करते हैं अलग अलग लेकिन जो है एक ही प्लांट में ग्रो करते हैं आसपास तो उसकी वजह से हम लोग को क्या रिज़ल्ट मिलता है जैसे कि प्लांट में लीव्स में डिफ्रेंस देखने को मिल जाएगा लाइक जो है अगर दो अलग अलग टिश्यू एक टिशू गवर्न कर रहा है कलर को रेड कलर को और दूसरा जो है ग्रीन कलर को तो फिर जो है एक लीव जो बन के आएगी वो रेड एंड ग्रीन कलर की ऐसी बन के आती है तो कैमरा में ऐसा होता है कि जब जो है दो अलग अलग जो है जेनेटिकली डिफरेंट टिश्यू जो है ग्रो करती हैं आसपास ही ग्रो करती हैं एक प्लांट में तब प्लांट का रिजल्ट जो है जो देखने को मिलता है ऐसा है कि प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे मीन्स जो है कुछ फ्रूट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा रेड हो सकते हैं कुछ जो है थोड़े से रेड एंड येल्लो होंगे फॉर एन एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कैमरा में कैमरा ये जो है ए, होता है मेनली मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दी हूँ कैमरा जो है म्यूटेशन की वजह से होता है और ये म्यूटेशन जो है सेल के सूट अपेक्स के सेल में आ, ओरिजिनेट होती है तो उसकी वजह से जो है कैमरा होता है इसका एग्जाम्पल जो है सिट्रस है क्राइस है डहेलिया है एट्सट्रा उसके अलावा जो जैसे कि पोटैटो कल्टीवार जो कुछ रेड स्किन के होते हैं या फिर रेड कलर के होते हैं ये सब जो है म्यूटेशन uh, के वजह से ही होते हैं यहाँ पे हम लोग म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि म्यूटेशन के वजह से जो है ये सारे रेड कलर जैसे हो गया एप्पल के पोटैटो कल्टीवार हो गया जो कि रेड स्किन के होते हैं वो सब भी म्यूटेशन के वजह से होता है स्टूडेंट आप लोग जो है जानती होंगे कि मैं इस पर मोस्टली जो है uh, uh, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और एग्रीकल्चर के और भी सब्जेक्ट जैसे कि एग्रोनॉमी इन्वायरमेंटल साइंस हो गया सॉयल साइंस एंड प्लांट पैथोलॉजी सेक्टर जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उन सब के बारे में भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाया करती हूँ तो बीच बीच में आप जो भी आई बटन पे लिंक जो है आएगा या फिर वीडियो की टॉपिक आती है तो एक बार आप प्लीज़ उसको चेक कर सकते हैं जिससे आप लोगों को अदर टॉपिक के बारे में भी नॉलेज मिल सकती है उन उन वीडियोस से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे मैं कुछ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वीडियोस डाली हूँ अब हम लोग टाइप्स ऑफ कैमरा देख लेते हैं कैमरा जो है फोर टाइप का होता है पेरी क्लीनर कैमरा होता है मेरी क्लीनर सेक्टोरियल एंड ग्राफ्ट कैमरा देख लेते हैं हम लोग पेरी क्लीनर कैमरा क्या होता है हम पेरी क्लीनर कैमरा जो है इसमें क्या होता है कि एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं पहले एक म्यूटेशन जो एक सेल में आकर होती है फिर वो स्लोली स्लोली पूरा जो है आ, एक तरीके से लेयर के फॉर्म में बना लेती है। ये देखिए यहाँ पे आ, यहाँ पे हुआ फिर उसके बाद धीमे धीमे स्लोली ये पूरे लाइन में फैलती हुई चली जाती है जैसे कि थर्ड में आप देख रहे होंगे पूरी लाइन में फैलती हुई चली जाती है पैरी क्लीनर में ऐसा होता है इसमें जो है टिश्यू जो है वन सेल टाइप की जो है आकर होती है और फिर वही सेल जो है पूरे लेयर में फैल जाता है एक पतली सी लेयर फॉर्म कर लेता है जिसके वजह से जो है कैमरा प्लांट uh, में कुछ जो है डिफरेंस आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है कैम पेरी क्लीनर अफेक्टेड कैमरा प्लांट है इसके एग्जांपल जो है ब्लैकबेरी है एंड uh, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड मेरी क्लीनर कैमरा के बारे में ये जो है पेरी क्लीनर की तरह ही होता है पर जो है इसमें क्या होता है ये भी जो है जैसे मैं बताया कि पेरी क्लीनर की कैमरे की तरह होता है ये नेचुरली अगर होता है ये एक अनस्टेबल टाइप का होता है कैमरा पर डिफरेंस इसमें क्या होता है ये होता है कि पेरी क्लीनर में जैसे आप पूरे जो है लेयर में एक म्यूटेंट सेल डेवलप हुई फिर पूरे लेयर में वो फैल जाती है पर मेरी क्लीनर में क्या होता है एक म्यूटेंट सेल जो है डेवलप होती फिर उसके बाद ये वन ही साइड में जो है डेवलप करती चली जाती है ऐसा नहीं है पैरीक्नर में था कि पूरी एक थिन लेयर फॉर्म कर लेगी बट इसमें जो है बस हाफ पोर्शन में ही लेयर फॉर्म करती है ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है पेरिक्लिनर और मेरीक्नर में इनके डायग्राम से ही आपको डिफरेंस पता चल सकता है थर्ड है सेक्टोरियल कैमरा ये जो है सेक्टोरियल कैमरा एक अनस्टेबल कैमरा टाइप होता है इस सेक्टोरियल कैमरे में क्या होता है इस सेक्टोरियल में देखिए म्यूटेंट सेल तो एक डेवलप की उसके बाद ये म्यूटेंट सेल जो है एक ही लेयर में नहीं फॉर्म होती उसके आसपास के लेयर में भी एक ग्रुप टाइप का बनाती हुई चली जाती है और ये फिर धीमे धीमे ग्रुप में ही बढ़ता चला जाता है पेरी और मेरी में एक पूरा लेयर जो एक लेर होता है सेल का उसमें डेवलप करती थी लेकिन जो है इसमें एक पूरे ग्रुप में जो है डेवलप करती हुई चली जाती है म्यूटेंट सेल जिसकी वजह से जो है प्लांट में आप लोगों को कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा ये जो है सेक्टोरियल कैमरा जो है अगर म्यूटेशन रूट्स में हो तब जा अगर जो है म्यूटेशन जो है रूट्स में होता है तब उसको जो है सेक्टोरियल कैमरा कहा जाता है या फिर आप लोग इनडायरेक्टली अ क्वेश्चन अराइज भी हो सकता है जैसे कि कह दें कि कुछ एक कैमरा होता है जो कि रूट में म्यूटेशन की वजह से डेवलप होता है तो वो किस टाइप का कैमरा होता है तो वो सेक्टोरियल कैमरा होता है ओके okay. इसमें जैसा कि मैं बताई कि हर लेयर में थोड़ा थोड़ा जो है म्यूटेशन सेल रहती है बाकी पेरी क्लीनर और मेरी क्लीनर में बस एक ही लेयर में म्यूटे म्यूटेशन सेल डेवलप होती थी बट जो है सेक्टोरियल कैमरा में म्यूटेशन सेल पूरे ही, आ, ही लेयर में थोड़ी थोड़ी सी पाई जाती है उसके बाद आ, आ जाता है ग्राफ्ट कैमरा ग्राफ्ट कैमरा सिंपली ग्राफ्टिंग से अराइज हुआ है ये कैमरा जो है ग्राफ्टिंग करते टाइम जो है Uh, जहाँ पे रूट स्ट्रॉकर साइन जो है कांटेक्ट करते हैं या फिर इंटरसेक्ट in, uh, करते हैं तो वहाँ पे ये कैमरा अरइज़ होता है ये एक इस कैम इस ग्राफ्ट कैमरा में देखिए एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए ग्राफ्ट कैमरा में जा uh, में ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते थे रूट इस्ट्रॉकर साइन को जो है कनेक्ट uh, करते थे या फिर इंटरसेक्ट करते थे या फिर जॉइंट करते थे तो उसकी वजह से जो प्लांट अराइज होते थे वो जो है ग्राफ्ट ग्राफ्टिंग के थ्रू अराइज़ हुआ प्लांट कहलाता था या फिर ग्राफ्टेड प्लांट कहलाता था या ग्राफ्टेड प्लांट निकलने वाला फ्रूट कहलाता था तो उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस देखने को मिलती थी बट इसमें जो है डिफरेंस इस तरीके से देख देखने को मिलता है कैमरा में हा ये जैसे कि रेड और थोड़ा ग्रीन वाले टाइप ऑफ एप्पल को जब जो है ग्राफ्ट कर दिया गया तो उसका रिजल्ट फ्रूट पे देखने को मिलना है ऐसा देखिए सिट्रस पे देखने को मिलता है ग्राफ्ट कैमरा में और जो इसमें ये जो ग्राफ्ट कैमरा से जो है दोनों पेरेंट्स के सेल के जीनो टाइप्स का मिक्सचर होता है जब दोनों पेरेंट्स जो है ग्राफ्टिंग के टाइम पे जो है दो रूटे स्टॉक साइन जो इंटरसेक्ट इंटर सेक्ट होता है तब जाकर दोनों पेरेंट्स से जो थोड़े थोड़े से जीनो जीनोम्स मिलते हैं तो जीन्स वगैरह मिलते हैं तो उनसे ये जो है जा के ऐसे फ्रूट डेवलप होते हैं तो इनको जो है ये जो है बेटर एग्ज़ाम्पल है ग्राफ्ट कैमरा की और ये मेरे लास्ट लाइट था इस और बहुत छोटी सी ये टॉपिक थी आ, कैमरा की आ, ये थोड़ा सा आ, डिफरेंस जो प्लांट्स वगैरह में आते हैं उनसे रिलेटेड थी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट मैं सोची कि लाओ आप लोगों को इस टॉपिक से भी रूबरू करा देती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू